जिसके बाद आरोपी पक्ष के लोगों द्वारा प्रधान पक्ष पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। वहीं जब प्रधान पक्ष की तरफ से युवक थाने गया तो पुलिस ने उसे थाने में बैठा दिया। तभी आरोपियों के द्वारा उसके बेटे को गोली मार दी, घायल को मेडिकल रेफर करा दिया। 3 दिन बाद बीत जाने के बाद भी आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिसको लेकर प्रधान पक्ष न्याय की आस में थाने के चक्कर काट रहा है। आज पीड़ित परिवार के द्वारा कप्तान दरबार में मदद की गुहार लगाई। वहीं एसएसपी ग्रामीण शुभम पटेल के द्वारा बताया गया कि क्रॉस केस का मामला है, तहरीर के आधार पर जांच के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिपोर्टर मोहित गुप्ता, अलीगढ़। देखिए, थाना इगलास में ये 3 दिन पूर्व की घटना है जिसमें दो पक्षों में लड़ाई हुई थी और उसी दिन पुलिस ने एक जो मजरूह पक्ष था उसकी एप्लीकेशन पे एफआईआर पंजीकृत कर ली थी। इसके पश्चात जो दूसरा पक्ष है वो क्रॉस एफआईआर लिखाने के इरादे से उसने एक और एप्लीकेशन दी है। तो क्योंकि ये क्रॉस एफआईआर लिखाना चाह रहे हैं तो पहले इस एप्लीकेशन की अभी जांच की जा रही है और उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जा रही है। क्या हुआ था? रात को, शनिवार की रात को, और दूध का काम करते हैं, दूध डाल के घर जाके सो रहा था तो तभी किसी ने 12 बजे करीब रात के गोली मार दी। मेरी आंखें खुली तो मैंने उनमें से 3-4 की शक्ल देख ली, पहचान लिए। 4-5 आदमी थे, गांव के ही थे। कौन थे, क्या नाम था? दो तो गिर्रा प्रेमपाल के वो हैं, एक तो कुलदीप, एक प्रदीप। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, क्यों गोली चली? प्रधानी को लेकर, तो हमारी मम्मी प्रधान हो गई हैं अब के, तो ये कह रहे थे कि 6 महीने तुम्हें प्रधानी नहीं करने देंगे। तो कौन प्रधान है, क्या है? कौन नई प्रधान नहीं है, वैसे ही प्रधान के समर्थक हैं। पुलिस को सूचना दी इसकी? पुलिस को सूचना दी, कोतवाल साहब हमारी एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। क्या कहते हैं? और कुछ नहीं, ऐसे टाल देते हैं। ये कहते हैं फर्जी केस है, ऐसे कर। कहाँ लगी आपकी गोली? पैर में लगी थी। अब इस टाइम कहाँ एडमिट है आप? इस टाइम ये मेडिकल। कौन लेके आया था आपको यहाँ? पुलिस? जवाहर मेडिकल है। पुलिस द्वारा आए थे क्या? पुलिस द्वारा आया था, 112 नंबर पर कॉल किया था। गाड़ी आई थी पुलिस की, फिर एम्बुलेंस आई थी रास्ते में से, फिर एम्बुलेंस में बैठाया था, फिर इगलास CHC में लेके गई थी। वहाँ डॉक्टर ने फिर मुझे यहीं जवाहरलाल दे कॉलेज है ना, अब मैं इसमें इलाज चल रहा है। कौन से गांव की घटना है क्या? ये गांव मोजीपुर की। थाना कौन सा लगता है? थाना इगलास। गोली निकल गई पैर में से? हाँ, गोली तो अभी छर्रे रह गए। कब हुआ था ये? ये शनिवार की रात। उसमें से कोई पकड़ा भी गया है? नहीं अभी पकड़ा तो तब जाए जब कोतवाल साहब एफआईआर नहीं लिखी है। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। आपकी तहरीर नहीं ली जा रही है? नहीं ली जा रही। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार। क्या नाम है आपका? मेरा डिगम्बर। क्या हुआ था डिगम्बर जी? सर, ये मेरे भतीजा, हम लोग उल्टी तरफ वहाँ जब फायर हुआ इसके पास, तब हम वहाँ जगह पहुँचे। वहाँ चीख पुकार सुनी, इतने में वहाँ जो कांड हुआ वहाँ, वो तो फरार हो गए भाग गए। हम इसको लेकर एम्बुलेंस पर फ़ोन किया, वो आ गई, पुलिस आ गई। उन्होंने थाना में हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ से यहाँ रेफर कर दिया। यहाँ हम अपना इलाज करा रहे हैं जैसा हो रहा है। उन्होंने अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। जगह की घटना है, कौन सी जगह? घटना घर की है, मौजीपुर। कौन सा थाना लगता है? इगलास। तो क्या आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इसमें? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। कौन लगते हैं आपके? ये मेरा भतीजा है। क्या नाम है इनका? हरीश कुमार। कहाँ लगी है इनकी गोली? पैर में। आपने पुलिस से शिकायत की, क्या कह रहे हैं पुलिस से? पुलिस वाले ये कह रहे हैं साहब, और कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हो जाएगा काम, होगा क्या होगा? क्या स्थिति इस टाइम बनी हुई इनकी? वो जो पूछ रहे यहाँ आ रहे हैं जन, क्या करेंगे हम नहीं मालूम। ना चुका है स्थिति। क्या नाम है आपका? मेरा डिगम्बर।